पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। और शेड्यूल तय हो गया है, वो आपको बता देंगे। और तमाम मेंबरान 187 मेंबरान जो हैं वो इसमें शरीक होंगे और इंशाल्लाह हम इससे बहुत पहले जो 11 तारीख है जो अगला इसमें पंजाब में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस थी उससे बहुत पहले हम एतमाद का वोट जो है वो हासिल कर लेंगे। उसके साथ साथ इस वक्त नून लीग की कुछ जो MPAs हैं जो कि हमारे साथ एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, सीट एडजस्टमेंट पे आना चाहते हैं, हम उनको भी जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। और उन हलकों में जहाँ पे PTI के कैंडिडेट्स नहीं हैं या काफ लीग के कैंडिडेट्स नहीं हैं वहाँ पे हम कंसिडर करेंगे जो PMLN के कैंडिडेट को, यहाँ से कुछ मेंबर जो अगर आना चाहते हैं उनको। और इंशाल्लाह इंतखाबात जो हैं वो करीब हैं, हम नेशनल इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। और जिस तरह इमरान खान ने कल कहा, हमारी उम्मीद यही है कि मार्च और अप्रैल जो हैं ये इंतखाबात के महीने होंगे। इससे पहले हमने इसीलिए ये जो अपने इस वक्त जो वर्किंग ग्रुप्स हैं वो क्रिएट किए हैं, क्योंकि 8 महीनों में जो तबाही हुई है पाकिस्तान में मईशत की और गवर्नेंस की, उसके लिए फौरी तौर के ऊपर इकदाम चाहिए। इस वक्त जो आटा है वो कराची में 2500 रुपये 20 किलो का जो थैला है वो हो गया है, जो 1300 रुपये का था जब PTI की हुकूमत, यानी डबल हो गया है। अब हमारे पास जो आज मुआशी माहरीन ने, जो PTI की मुआशी टीम है उसने जो ब्रीफिंग दी है इमरान खान साहब को, उसमें ये कहा गया है कि देखें दो तरीके हैं, अगर ये IMF से हम अपनी एक्सटेंड नहीं करते, हमारा प्रोग्राम IMF नहीं करता, तो ये यकीनी है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। और डिफॉल्ट जो है उसका मतलब यह है कि पाकिस्तान से जो इम्पोर्ट है वो बंद हो जाएगी और इस रॉ मटेरियल्स नहीं होंगे तो एक बहुत बड़ा बहरान जो है वो पाकिस्तान में हो जाएगा। और अगर हम IMF की शराइत मानते हैं तो उसके नतीजे में डॉलर की कीमत में बेइंतहा इजाफा होगा। अब भी आप देखें कि तकरीबन 55 रुपये से ज़्यादा तो ऑफिशियल जब से PTI की हुकूमत गई है डॉलर की कीमत जो है वो अप्रिशिएट हो चुकी है। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान में इस वक्त क्राइसिस है वो ये है कि जो किचन आइटम्स हैं और एनर्जी, ये दोनों बेइंतहा महंगे हो गए हैं। आप हमने जो स्कीम बनाई थी जिसमें हमने सस्ता किया था तेल और बिजली को, और उसके साथ हम ये कर रहे थे कि रूस के साथ मुआहदा कर रहे थे और इंश्योर कर रहे थे कि ये पाकिस्तान के लोगों को तेल और गैस और पेट्रोल जो है वो सस्ता मिले ताकि इंडस्ट्री चलती रहे। इस हुकूमत ने आके मुकम्मल बंद कर दिया। अब हमने 55 लाख नौकरियां पैदा की थी, इस हुकूमत में आके अब सिर्फ फैसलाबाद में टेक्सटाइल कह रही है, टेक्सटाइल सेक्टर कह रहा है कि 15 लाख से ज़्यादा नौकरियां ख़त्म हो गई हैं। तो पाकिस्तान में एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ नौकरियां ख़त्म हो रही हैं। और अब तीसरी बला जिसका हमें अनफॉर्चुनेटली बहुत ही ये सानिया है कि टेररिज्म वापस आ रहा है। कल बलूचिस्तान में खाली जो है वो 8 धमाके हुए हैं, 52% इजाफा हो चुका है इन 8 महीनों में टेररिज्म में, जो ऑपरेशन रिजीम चेंज के नतीजे में जो पाकिस्तान में सूरत हाल बनी है। और उसके बाद इसमें 270 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं और तकरीबन जो है वो 550 के करीब लोग जो हैं वो जख्मी हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने जो सिलसिला शुरू किया था जहाँ पे हम प्राउडली कहते थे, फख्र से कहते थे कि फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज्म पाकिस्तान जो है उसका सफ़र तय किया है। 2021 में 2021 में पाकिस्तान CNN का, टूरिज्म के और जो बड़े आपके पब्लिकेशंस हैं, मीडिया है, पाकिस्तान उन तमाम रसालों में नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन के उभर रहा था। आज दोबारा हम टेररिज्म की तरफ अनफॉर्चुनेटली चले गए हैं। और मैंने आपको फिगर्स बताई जो यहाँ पे अभी तक लोगों की शहादतें हुई हैं। आज अमेरिका ने और यूरोपीय यूनियन ने अपने एम्बेसडर्स को और अपनी एम्बेसी की टीम को ये कहा है कि वो इस्लामाबाद में भी बाहर ना निकलें और जो इस्लामाबाद के 5-स्टार होटल्स हैं वहाँ पे जाने से उन्हें रोक दिया गया। ये वो 8 महीने का सफ़र है जो पाकिस्तान के शहरियों के ऊपर इस ऑपरेशन रिजीम चेंज के नतीजे में लादा गया है। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान में फौरी इलेक्शंस की तरफ हम बढ़ें। हमने पंजाब और KP में
और इस वक्त दूसरी सूरत हाल ये है कि ये हुकूमत इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है। इनको नजर आ रहा है कि ये इलेक्शन जीत सकते ही नहीं है, लिहाजा ये इलेक्शन नहीं कराएंगे। हमें उम्मीद ये है कि पाकिस्तान में जो फैसला करने वाले लोग हैं, जुडिशरी है, पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान के इदारे हैं, वो भी पाकिस्तान की इस हालत को देखे और पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाने में जो हालत की गई है उसमें सभी का कसूर है और अपनी अपनी जिम्मेदारी महसूस करें, अपनी गलतियों से सीख के इनको मेंट करने की ज़रूरत है, इनमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान के अवाम इस वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते हैं, सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन कराने के लिए इदारों को भी और जो बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी और इसका कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, इसके जो नतायज हैं वो पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं होंगे। फरुख हबीब साहब, ये जितनी सूरत हाल आपके सामने, फवाद चौधरी साहब ने आपके सामने जो सूरत हाल रखी है, इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर आप देखें तो एक फैक्टर ऐसा है कि हुकूमत गुमशुदा नजर आती है, यानी कि शहबाज शरीफ जो कि मुल्क के वजीर आजम है, मैं तो उन्हें नालायक आजम कहता हूं, जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उसकी कोई ना कोई अहमियत ही नहीं है इन तमाम इश्यूज पे। यानी अगर आप ये देख लें, आम आदमी के लिए आज जो मसाइल हैं, जो हालात हैं, महंगाई के 50 साल रिकॉर्ड तो टूटे ही टूटे हैं, अब एक गरीब आदमी जिसने दो वक्त में रोटी खानी है, आटा जो है वो 125 रुपए किलो हो गया है, यानी कि आम आदमी जिसने दो वक्त अपने बच्चों को रोटी खिलानी है उसके पास हालत ये है कि अब उसकी आमदन में वो अपने बच्चों को दो वक्त की रोटी नहीं खिला सकता, आटा इतना महंगा हो गया है। आपने देखा है कि वजीर आजम इसके ऊपर कोई इजलास कर रहे हो, कोई लाहे अमल बना रहे हो, यहां मुल्क के अंदर दहशतगर्दी बढ़ गई है, मुल्क के अंदर अफगानिस्तान के साथ जो सूरत हाल में एक डिटेरिएटिंग सिचुएशन नजर आती है, इमरान खान साहब ने तो एक पूरा प्लान दिया था, नजर आता था आम आदमी की तकालीफ को दूर करने के लिए वो इकदाम ले रहे होते थे, आज मुल्क की सिक्योरिटी की हालत को बेहतर करने के लिए, खारजा सतह के मामला को बेहतर करने के लिए वो खुद एक लीडरशिप का रोल प्ले। पीटीआई रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।